फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे गीता प्रेस गोरखपुर सिंस 1923। दोस्तों, ये आर्ट गैलरी 80 साल पुरानी है और यहाँ पे भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की लीला का अच्छे से पेंटिंग्स में पूरा डिस्क्राइब किया हुआ, अरेंज किया हुआ है सिक्वेंशियली। फ्रेंड्स, ये है गीता प्रेस गोरखपुर का मेन गेट। बड़ा ही कलात्मक और भव्य गेट बनाया हुआ है, जिसमें पूरा अलग अलग हिंदू मंदिर का इंक्लूजन किया हुआ है। तो एक बार ये आर्ट गैलरी को ज़रूर देखने जाए जब भी आप गोरखपुर में जाए। तो इस आर्ट गैलरी का नाम लीला चित्र मंदिर है। और दोस्तों, यहाँ पे भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के 684 ब्यूटीफुल पेंटिंग्स है, जिनको सिक्वेंशियली अरेंज किया गया है। और उसके ऊपर मार्बल में गीता जी का पूरा चरित्र भी, गीता के पूरे श्लोक्स भी मेंशन किए हुए हैं। फ्रेंड, ये है गीता प्रेस का सबसे पहला प्रिंटिंग मशीन। ये है रामायण माइक्रोवोड्स में। इसको पढ़ने के लिए आपको मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करना पड़ेगा। और ये है महाभारत का 12वां अध्याय, हिंदी में नहीं, संस्कृत में और इंग्लिश वर्जन में। इसको पढ़ने के लिए भी आपको मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करना पड़ेगा। और दोस्तों, यहाँ पे ऊपर म्यूज़ियम के ऊपर 700 से भी ज़्यादा कपलेट्स और वर्जीज लगे हुए हैं बाय डिफरेंट सीन्स, महात्माओं के बारे में, महात्माओं ने जो बोले हुए कोट्स वगैरह लगे हुए हैं। और कुछ पेंटिंग्स तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 300-400 साल पुराने हैं। और ये जो सारे ड्राइंग्स है, जो पेंटिंग्स हैं, इनको लीला के हिसाब से पूरा अरेंज किया हुआ है। तो काफ़ी अनोखा और काफ़ी डिवाइन आर्ट गैलरी है ये। दोस्तों, ये जो पेंटिंग है, ये हैंडमेड 3D पेंटिंग है। और ये चारों कॉर्नर में ऐसे चार अलग अलग ड्राइंग्स, 3D ड्राइंग्स लगे हुए हैं, जहाँ पे आप सीधा खड़े रहते हैं तो आपको भगवान का एक रूप दिखता है, और लेफ्ट एंड राइट मूव करते हैं तो आपको भगवान का दूसरा स्वरूप दिखता है। तो काफ़ी सिंपल और काफ़ी यूनिक 3D हैंडमेड पेंटिंग है। और भी यहाँ पे काफ़ी अलग अलग तरह की ड्राइंग्स है। कुछ चारों कॉर्नर में एक एक ड्राइंग लगा हुआ है, जो हिडन ड्राइंग है, जहाँ पे आपको भगवान का स्वरूप, जो ड्राइंग के अंदर एक आर्ट के स्वरूप में हिडन ड्राइंग किया हुआ है, जो आपको वो ड्राइंग ढूंढना रहता है कि इसमें भगवान का एक स्वरूप रहता है। तो काफ़ी अलग और काफ़ी अनोखा म्यूज़ियम है। हम यहाँ पे इनके जो आर्टिस्ट है उनको भी मिले, जिनको हम आपको अभी दिखाएंगे इस वीडियो में आगे। और म्यूज़ियम का टाइम मॉर्निंग 9 से इवनिंग 5 तक का है। और आपको यहाँ पे जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रिक्शास, ऑटो रिक्शास वगैरह मिल जाएगा। कार लेके जाना थोड़ा एडवाइजेबल नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी ओल्ड मार्केट है और काफ़ी चौड़ा रास्ता है, काफ़ी नैरो रोड्स है यहाँ पे, काफ़ी ट्रैफिक रहता है। तो ये एक और ड्राइंग है जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे। तो हम यहाँ पे गए थे और मतलब ऑलमोस्ट वन एंड हाफ आवर तो कैसे चला गया पता ही नहीं चला, क्योंकि जो लॉर्ड रामा और भगवान राम और भगवान कृष्ण की जो ब्यूटीफुल पेंटिंग्स है, उसको आप देखते ही देखते टाइम कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता। यहाँ पे 92 ओल्ड मेवाड़ी स्टाइल्स के पेंटिंग्स भी है, जो कुछ मैंने जैसे पहले भी बताया था, कुछ ड्राइंग्स तो ऑलमोस्ट 400 ईयर्स ओल्ड है। और ये है यहाँ के पेंटर, ड्राइंग मास्टर, जिनको हम मिले थे, जिन्होंने हमें काफ़ी अच्छा बताया कि कैसे जो हैंडमेड ड्राइंग्स होते हैं, जैसे ये एक ड्राइंग ये खुद बना रहे हैं अभी, जिसको फिर स्कैन करके बुक्स में यूज़ किया जाएगा। ये ब्लैक एंड वाइट है, जिसको कलर हैंडमेड ड्राइंग कर रहे हैं उसको फिर स्कैन करके बुक्स में यूज़ किया जाएगा। तो इन्होंने हमें काफ़ी कुछ
तो इन्होंने काफ़ी सारे हमें ऐसे बुक्स भी बताए जहाँ पे इन्होंने ऑलमोस्ट ये यहाँ पे इस आर्ट गैलरी में ये गीता प्रेस के साथ ऑलमोस्ट काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, और इनके भी जो दोनों बेटे हैं वो भी फाइन आर्ट्स में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, तो काफ़ी कुछ इनसे भी हमें जानने को मिला और काफ़ी अच्छा ड्राइंग इन्होंने किया हुआ था। सो दोस्तों, ये जो आर्टिस्ट है इनका नाम गोपाल गुप्ता है, और इनसे मिलके भी काफ़ी अच्छा लगा हमें। ये आर्ट गैलरी के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें बताई, काफ़ी कुछ ड्राइंग के बारे में इन्होंने हमें बताया जो हमें पहले पता नहीं था। और ये जो गीता प्रेस के अंदर आर्ट गैलरी आया हुआ है, और गीता प्रेस के एग्जिट सामने इनका रिटेल बुक आउटलेट भी है, जहाँ पे जो गीता प्रेस में जो बुक्स पब्लिश होती हैं इनका सेलिंग होता है। और ये ऐसा ही जो बता रहा था मैं, एक हिडन पेंटिंग है, ये इसमें से एक है जिसमें आपको भगवान श्री कृष्ण का एक स्वरूप देखने को मिलेगा। ये दूसरा एक हिडन पेंटिंग है जिसमें शिव जी और पार्वती जी का आपको स्वरूप, हिडन स्वरूप ड्राइंग किया हुआ है देखने को मिलेगा। और ये श्री राम का मूर्ति है जो आप जिस साइड भी मूव करेंगे आपको ऐसा लगेगा कि मूर्ति आईज आपकी साइड रोटेट हो रही है, तो 3D आर्ट्स है। और जो मैं बता रहा था कि जो 300-400 साल पुराने ड्राइंग्स है, तो ये इसमें से एक है, ये भी ऑलमोस्ट 4 ईयर ओल्ड ड्राइंग है। तो जैसे कि मैं बता रहा था, मंदिर ये प्रेस के सामने इनका रिटेल बुक आउटलेट है, जहाँ से आपको काफ़ी अच्छे अच्छे बुक्स मिल सकते हैं। हमने भी काफ़ी अच्छे बुक्स लिए, बच्चों के लिए भी इन स्टोरीज एंड काफ़ी सारे हिंदी, गुजराती, इंग्लिश और सारी लैंग्वेज में बुक्स अवेलेबल रहते हैं। तो डेफिनेटली एक बार ये आर्ट गैलरी को, इनका जो बुक आउटलेट है उसको विज़िट कीजिएगा, और बुक्स के प्राइस भी काफ़ी रीजनेबल है। और ये एक और हिडन पेंटिंग है वनवासी श्री राम जी का, जिसमें श्री राम का स्वरूप दिखाया हुआ है। और लास्ट में ये जब गेट का एंट्री के वक्त यहाँ पे दिखाया गया है कि गेट जो इन्होंने दो गेट्स इनके बनाए हुए हैं, एंट्री गेट्स और एग्जिट गेट, उसका जो महत्व है कि गेट में कौन सी चीज़ का क्या महत्व है, कौन सी चीज़ किसको रिप्रेजेंट करती है, ये दिखाया हुआ है। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और ऐसे ही देखते रहिएगा बाकी के सारे वीडियोज़ को। थैंक यू, बाय बाय फॉर नाउ।